हेलो स्टूडेंट नाउ हेयर वी विल कम विद द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास एट दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओके सो फर्स्ट टॉपिक इज़ एलजैब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसके एग्जांपल्स लेते हैं वो क्या होते हैं एग्जैक्टलीजैब्रिक एक्सप्रेशन सिंपली होता है आपका टू एक्स माइनस थ्री लाइक सेकेंड इज टू एक्स वाई प्लस फाइव दिस इज़ योर एल्जब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आप एल्जबरा ले रहे हो अल्जब्रा मीन्स एक्स एंड वाई अल्फ़ाबेटिक जिसमें आप ले रहे हो उसे हम बोलते हैं अल्जब्रिक एक्सप्रेशन नाउ कम टू इक्वेशन इक्वेशन का एग्जाम्पल लेते हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वेश आर फाइव एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू नाइन अब इन दोनों में डिफ्रेंस आप बस एक ही होता है आप देखिए इसमें टू एक्स माइनस थ्री और यहाँ पे है टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू नाइन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इक्वलिटी का साइन होता है इक्वेशन में ओके तो देर इज़ अ डिफरेंस इक्वलिटी का साइन दैट मीन्स वो एक इक्वेशन बन गया अदरवाइज वो एक एक्सप्रेशन ही रहेगा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम बोलते हैं सो नाउ कम टू द टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इट डील्स विद द इक्वेशन विद अ लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल ओनली सच इक्वेशन आर नोन एज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओके okay. इसमें आप देखिए जो इसका जो कंपोनेंट है वो ओनली वन होना चाहिए अगर सपोज करो आप टू एक्स टू दावर टू माइनस थ्री है तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है कि एक्सपोनेंट आपका वन ही होना चाहिए अगर टू है तो इट्स नॉट अ वन वेरिएबल ओके सो टू एक्स माइनस वन जिसमें ये इक्वलिटी का साइन है दिस इज द वेरिएबल और ये पूरा क्या है आपका इक्वेशन जिसे हम बोल रहे हैं ओके टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू सेवन इज इक्वेशन अभी आपने देखो आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या पढ़ा एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वैलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल इक्वैलिटी का साइन इसमें आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स मीन्स ये इक्वलिटी का साइन अलॉन्ग विद द वेरिएबल्स टू एक्स माइनस थ्री दिस इज़ द वेरिएबल ओके एंड इक्वलिटी के साइन होगा तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होता है इसमें इन uh, और सेकेंड पॉइंट ये है इन एन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द एल एच एस एंड आर एच एस आर इक्वल इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं एल एच एस और आर एच एस की इक्वल होंगी राइट किसी भी केस में इक्वल ही होंगे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हमने लिया टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू सेवन इसको सॉल्व किया थ्री को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया ये माइनस है इस साइड जाके वो प्लस हो जाएगा तो टू एक्स इज इक्वल टू सेवन इधर आया प्लस थ्री इज आप सॉल्व करेंगे तो टेन आएगा राइट देन एक्स अब लिया हमने और ये आपका टू यहाँ पे जाके एक सेकेंड आपको बताती हूँ मैं ये आप टू एक्स सेवन थ्री राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा ओके okay? तो टू एक्स इज इक्ल टू टेन हो गया नाओ एक्स इज इक्ल टू टेन अपॉइंट टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है देन राइट हैंड साइड में आकर डिवाइड हो जाएगा देन एक्स इज इक्ल टू फाइव आपका आंसर क्या है एक्स इज इक्वल टू फाइव अब हम ये जो एक्स की वैल्यू निकली है अब हम इसको पहले एल एच एस में पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो टू एक्स माइनस थ्री है टू एक्स की वैल्यू फाइव लिखेंगे तो टू इन टू फाइव माइनस थ्री सेवन फाइव टू जै टेन टेन माइनस थ्री सेवन हो गया अब देखो आप आपका आर एच एस क्या है सेवन दैट मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस राइट अब हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन वेरिएबल ऑन वन साइड ये आपका सॉल्विंग इक्वेशन है वन वेरिएबल का है ठीक है एक तरफ वेरिएबल्स हैं इसमें लाइक टू वाई प्लस नाइन एक ही साइड वेरिएबल होगा अभी हम आगे पढ़ेंगे टू साइड्स का तो टू वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू फोर अब इसको सॉल्व करने के लिए में हमारे पास दो मैथड हैं एक है कि आप दोनों साइड को इक्वल करोगे या फिर ट्रांसपोजिंग मैथड तो अभी हम दोनों साइड को इक्वल करते एल एच और आर को इक्वल करेंगे हम ठीक है टू वाई प्लस नाइन माइनस नाइन हम यहाँ पे नाइन है तो इस नाइन को प्लस है तो हम इसको माइनस करेंगे सेम एज आर राइट हैंड साइड में क्या करेंगे फोर है तो अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम माइनस नाइन कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी माइनस नाइन करेंगे देन प्लस नाइन माइनस नाइन ये कैंसिल हो जाएगा बचा आपका टू वाई टू वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव ओके ये लिखा है टू वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव फोर में से माइनस नाइन गया माइनस फाइव बचा देन वाई लिखेंगे हम टू यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट हैंड साइड में आके डिवाइड हो जाएगा आंसर इज वाई इज इक्ल टू माइनस फाइव अपॉन टू ठीक है अब एक ट्रांसपोजिंग uh, मैथड है उसको देख लो आप ट्रांसपोजिंग मैथड में क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे ट्रांसफर करेंगे देन टू वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू फोर टू वाई इज इक्वल टू फोर प्लस नाइन है देन राइट हैंड साइड गया माइनस नाइन देन टू वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव इनको किया सॉल्व तो माइनस फाइव आया वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव पॉइंट टू दोनों मेथड में आप देखो कि वाई इज इक्वल टू फाइव टू आ रहा है माइनस फाइव पॉइंट टू आ रहा है ठीक है अब इसको आप एल एच एस और आर एच एस दोनों प्रूफ करिए इसमें अभी एल एच एस की वैल्यू एल क्या है टू वाई प्लस नाइन है और वाई की वैल्यू हमारे पास आंसर आया माइनस फाइव पॉइंट टू तो उस जगह पे पुट कर देंगे वाई पे हम पुट करेंगे माइनस फाइव पॉइंट टू तो टू इन टू माइनस फाइव पॉइंट टू प्लस नाइन ये कैंसिल आउट हो गया माइनस फाइव प्लस फ़ोर प्लस नाइन आंसर क्या आएगा आपका फ़ोर दैट मीन्स क्वेश्चन यही था आपका ना टू वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू फोर मीन्स आपका ये देखो आप एल एच एस हमने सॉल्व किया आर एच एस आ गया तो इसका मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस राइट नाउ सेकेंड इज सॉल्विंग इक्वेशन वेरिएबल ऑन बोथ द साइड अब वेरिएबल क्या है वेरिएबल ये हमारा टू एक्स एक्स दिख रहा है आपको ये दोनों साइड में है अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था वो एक साइड में था वन वेरिएबल अब ये बोथ द साइड्स अब वेरिएबल को हम एक साइड शिफ्ट कर लेंगे और जो भी कोफिशियंट है उनको एक साइड शिफ्ट कर लेंगे देन टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अब ये देखो यहाँ पे एक वेरिएबल है टू एक्स और ये वेरिएबल राइट हैंड साइड में तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे टू एक्स माइनस एक्स ये प्लस का साइन है यहाँ पे ये माइनस हो गया इज इक्वल टू ये टू माइनस थ्री है राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस थ्री हो जाएगा देन एक्स इज इक्ल टू फाइव अब ये एक्स की वैल्यू हमारी फ़ाइव आई है अब हमें इसमें चेक करना है कि वेदर इट्स तो फाइव और नॉट मतलब चेक करने के बाद दोनों इक्वल है कि नहीं है एल एच एस एंड आर एच एस बोथ आर इक्वल और नॉट तो वेरीफाई हम करेंगे एल एच एस पहले लिए हमने तो टू एक्स माइनस थ्री ये आपका एल एच एस साइड है टू इन टू फाइव एक्स की जगह पे हमने फाइव पुट किया है बिकॉज आंसर इज़ फाइव माइनस थ्री फाइव टू जैट टेन माइनस थ्री इज वल टू सेवन ये आपका आया एल एच एस दैन पुट एक्स इन ऑन आर एच एस आर एच एस में हमने पुट किया आर एच एस इज इक्वल टू एक्स प्लस टू आर एच एस ये है देन फाइव प्लस टू इज इक्वल टू सेवन दैट मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस ओके नाउ कम टू दी थर्ड वन थर्ड टॉपिक इज फॉर्मिंग इक्वेशन फॉर्मिंग इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं लाइक वर्ड प्रॉब्लम आपको कोई <coughs> मतलब सेंटेंसेस दिए होंगे उसमें उससे आपको क्वेश्चन बनाने हैं ओके okay? अब सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आता है सम ऑफ टू नंबर इज सेवेंटी फोर दो नंबर के सम दो नंबर का सम सेवेंटी फोर है एंड वन इज़ टेन मोर देन अदर एक नंबर दूसरे नंबर से टेन बड़ा है सो लेट द वन नंबर बी एक्स ठीक है हमने एक नंबर को पहले एक्स माना एंड द अदर नंबर बी टेन प्लस एक्स टेन मोर देन अदर नंबर दैट मीन्स पहला नंबर तो आपका एक्स है और दूसरा नंबर पहले नंबर से ज़्यादा है दस तो टेन प्लस एक्स हो गया एंड द इक्वेशन जब आपका इक्वेशन बनेगा फर्स्ट नंबर इज एक्स एंड द सेकेंड नंबर इज टेन प्लस एक्स इज इक्वल टू सेवेंटी फोर दो नंबर के सम आपको सेवेंटी फोर है यहाँ पे द सम ऑफ टू नंबर इज सेवेंटी फोर दैट मीन्स एक्स इज वन सेकेंड इज टेन प्लस एक्स अब इनको पूरा सॉल्व करने के बाद एक्स इज इक्वल टू थर्टी टू आया आपका लाइक ओके सो आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा Thank you.